तो आगे जवान का रिव्यू देखने तो फिर रेडी। पठान ने तो 1000 करोड़ के ऊपर कमाए ही थे, पर ये मूवी जवान मुझे लग रहा है भाई साहब ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी इस बार। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान की जवान मूवी थिएटर्स में आ गई है और सुबह सुबह 7 बजे का शो भी पूरा हाउसफुल था। आप इससे सोच ही सकते हो कि इस मूवी का क्रेज कितना है। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और चलिए बात करते हैं कि मूवी है कैसी। जवान का प्रमोशन पिछले साल से ही चल रहा है, जहां पहले टाइटल रिलीज किया, फिर इस साल प्रीव्यू आया और उसके बाद एक ट्रेलर आया अभी अभी 7 दिनों पहले, उसको ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी बना दिया गया। ये मूवी सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा क्रॉस कर जाती है। मूवी पूरे 2 घंटे 50 मिनट की है और स्टार्ट होते ही ऐसे बैक टू बैक 2 बड़े बड़े सीन्स आते हैं, जिसकी वजह से पूरे एक्सपेक्टेशंस वही बढ़ने लग जाते हैं। ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन और इमोशंस, कॉमेडी, ऐसा एक भी पार्ट नहीं है जो फिल्म छोड़ती है। सब में बहुत जबरदस्त एंटरटेन करेगी आपको। बैठे बैठे आपको लगेगा कि ये सब हो क्यों रहा है और एंड में वो रिवील भी हो जाता है। स्टोरी ही ऐसी है और जिस तरीके से उसको दिखाया है वो इतना बिलीवेबल लगता है कि ऐसा लगने लगता है कि ये सच में हो भी सकता है। क्या लुक्स थे शाहरुख खान के और क्या सिनेमेटोग्राफी है डायरेक्टेड बाय एटली, और उन स्लो मोशन एंट्रीज को सपोर्ट करने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक, पूरा थिएटर चिल्ला रहा था यार। मेन स्टोरी चलते रहती है और साथ ही में जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टोरीज भी बीच बीच में आपको बताते रहते हैं, जिससे कैरेक्टर बिल्डअप होता है। फर्स्ट हाफ तो इतना कमाल का था कि पता ही नहीं चला कि कब खत्म हो गया। ऊपर से एक कैमियो भी है फर्स्ट हाफ में। सेकंड पार्ट हल्का सा स्लो है क्योंकि बैक स्टोरी दिखाना जरूरी था, पर इस पार्ट में भी 2 कैमियोज है और जब वो आते हैं तो भाई साहब सीटियां बजने लग जाती है। इस मूवी के लिए एटली के डायरेक्शन को क्रेडिट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से सिनेमाटोग्राफी, डायलॉग्स, एक्शन सीक्वेंसेस और स्लो मोशन एंट्रीज दिखाई गई है वो बहुत एंजॉय करोगे आप। मूवी 3 घंटे की होने के बाद भी आपको ये लंबी नहीं लगेगी, क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा होता है इस मूवी में जिससे आप सिर्फ एंटरटेन ही होंगे। स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास्ट में कुछ अनहोनी हो जाती है और उस टाइम उसने किसी से एक वादा किया था, जिसकी वजह से वो अलग अलग रोल्स में हमें इस मूवी में दिखाई देता है। और ये सब क्यों हुआ था ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। SRK के सारे कैरेक्टर्स को एक साउथ वाला अंदाज दिया गया है, स्पेशली ये वाला रोल। ये मूवी एक मास मूवी है और डेफिनेटली ये मूवी एक क्लास जरूर है। गाने थोड़े ठीक ठाक ही थे, पर जो हर कैरेक्टर के साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक एसोसिएट किया गया वो बेस्ट था। एक्टिंग सबने बहुत बढ़िया की है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। जो विलन है विजय सेतुपति, वो थोड़ा विजय माल्या लग रहा था। और आखिर में थोड़े सोशल मैसेजेस दिए जाते हैं, एक मोनोलॉग है SRK का जो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इस मूवी को आप थिएटर्स में जाके देखो, वो भी फैमिली के साथ, क्योंकि एक फैमिली एंटरटेनर है। ओवरऑल ये एक मास मूवी है और मैं कहूंगा बहुत ही जबरदस्त लगी मुझे, इसलिए मैं इसको दूंगा 4 out of 5 stars। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।